गुड डे टू ऑल ऑफ यू। पिछली कक्षा में आप सभी ने व्यू ऑप्शन के बारे में सीखा। आइए अब पिछली क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। क्या आप सभी बता सकते हैं कि व्यू का प्रयोग क्यों करते हैं? व्यू का प्रयोग राइटर के पेज पर दिखाई दे रहे फंक्शन को हाइड करने के लिए करते हैं और हाइड हुए ऑप्शन को शो करने के लिए उपयोग करते हैं। क्या आप बता सकते हैं प्रिंट लेआउट वेब लेआउट में क्या अंतर होता है? प्रिंट लेआउट में आप अपने पेज को एक नॉर्मल व्यू में देख सकते हैं और इसमें आप कौन से पेज पर काम कर रहे हैं यह भी देख सकते हैं, लेकिन वेब लेआउट में आपको एक ही पेज दिखाई देगा जो कि बड़ी स्क्रीन में होगा। क्या आप बता सकते हैं ड्राइंग टूल बार को कैसे हटाएंगे? ड्राइंग टूल बार को हटाने के लिए आप सबसे पहले व्यू पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आप ड्राइंग टूल बार पर क्लिक कर देंगे जिससे ड्राइंग टूल बार हट जाएगा। क्या आप बता सकते हैं फाइंड और रिप्लेस का उपयोग क्यों करते हैं? फाइंड से आप उस वर्ड को ढूंढ सकते हैं जो आपके डॉक्यूमेंट में हो और आप उस वर्ड को रिप्लेस की मदद से किसी दूसरे वर्ड में बदल सकते हैं। अब आप सभी कंप्यूटर को ऑन करें और राइटर की फाइल को बताए गए नए तरीके से ओपन करें। अगर कोई समस्या हो रही है तो वीडियो की मदद से राइटर की फाइल को ओपन करें। सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड की एक फिंगर से स्टार्ट बटन को दबाकर रखें और फिर राइट हैंड की एक फिंगर से आर के बटन को एक बार दबा दें। एक बॉक्स ओपन हो जाएगा, इसे रन कमांड बॉक्स कहते हैं। इस बॉक्स में आप बिना किसी स्पेस दिए दिखाए जा रहे वीडियो की तरह एस ऑफिस टाइप करें और फिर ओके बटन पर माउस या टचपैड के लेफ्ट बटन से एक बार क्लिक कर दें। एक विंडो ओपन हो जाएगी, इसे आप क्विक स्टार्ट विंडो कहते हैं। आप यहां पर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर अपने टचपैड या माउस के लेफ्ट बटन से एक बार क्लिक कर दें जिससे राइटर की फाइल ओपन हो जाएगी। आइए जानते हैं आज आप किन किन ऑप्शन का प्रैक्टिस करेंगे या अभ्यास करेंगे। आज आप प्रिंट लेआउट और वेब लेआउट के ऑप्शन के बारे में प्रैक्टिस करेंगे, टूल बार को हाइड और शो करने की प्रैक्टिस करेंगे, टेक्स्ट बाउंड्री को शो और हाइड करने की प्रैक्टिस करेंगे, रूलर को शो और हाइड करने की प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद फुल स्क्रीन और जूम की प्रैक्टिस करेंगे। अब आप सामने दिखाए गए लाइन को टाइप करें और उसे 10 बार कॉपी पेस्ट करें, लेकिन याद रहे हर एक लाइन एक नई लाइन सी होनी चाहिए। अगर कोई समस्या हो रही है तो सामने दिखाए जा रहे वीडियो की मदद से सीखें। आइए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं कि इस लाइन को कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, कॉपी करने के लिए आपको अपने लाइन को सेलेक्ट करना होता है। सेलेक्ट करने का आप सभी को 3 विधि बताया गया है, या उन तीनों विधि में से किसी एक विधि का उपयोग करते हुए आप इस लाइन को सेलेक्ट करें। जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है कि इस लाइन को माउस या टचपैड के द्वारा सेलेक्ट किया जा रहा है, तो उस तरह से आप इस लाइन को सेलेक्ट करें और उसके बाद कॉपी करें। कॉपी करने के लिए आप सभी अपने पॉइंटर को एडिट लिखे हुए ऑप्शन पर लेकर आए, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। उसके बाद कॉपी लिखे हुए ऑप्शन पर क्लिक कर दें जिससे कि आपका यह टेक्स्ट या लाइन कॉपी हो जाएगा। उसके बाद अब इसे पेस्ट करने के लिए या एक बार यहाँ पे अपने माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करें और फिर एंटर बटन का उपयोग करें जिससे कि यह लाइन नीचे के लाइन में आ जाएगी या नई लाइन में आ जाएगी। उसके बाद आप सभी अपने पॉइंटर को एडिट लिखे हुए ऑप्शन पर लेकर आएं और फिर पेस्ट लिखे हुए ऑप्शन पर क्लिक कर दें जिससे कि एक और लाइन आ जाएगी। फिर अब एक और लाइन को पेस्ट करने के लिए एंटर बटन का उपयोग करें
अगर आप एंटर बटन का उपयोग नहीं करेंगे तो ऐसे जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है ऐसे लाइन आ जाएगी। इसके लिए आप सभी को एंटर बटन का उपयोग करना होगा, उसके बाद से एडिट पे जाके फिर पेस्ट करना होगा जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। इस तरह से आप पेस्ट कर सकते हैं, फिर एंटर बटन का उपयोग करें, एडिट पर जाएं, पेस्ट पे क्लिक कर दें, फिर एंटर बटन का उपयोग करें, एडिट के ऑप्शन पे जाएं और फिर पेस्ट कर दें। तो इस तरह से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अब बाकी के 5 लाइन आप शॉर्टकट कमांड जो कि पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस वी होती है उसके उपयोग से आप कॉपी पेस्ट करेंगे। एंटर बटन दबाएं, एक हाथ से कंट्रोल के बटन को दबाएं, दूसरे से वी को प्रेस कर दें जिससे कि एक और लाइन आ जाएगी। इसी प्रकार से बाकी के लाइनों को पेस्ट करें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। इस तरह से आपकी 10 लाइन कॉपी पेस्ट हो जाएगी। आइए अब व्यू मेनू की प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप फॉर्मेटिंग टूल बार को हाइड करके दिखाएं। अगर कोई समस्या हो रही है तो वीडियो की मदद से सीखें। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि फॉर्मेटिंग बार को कैसे हाइड करते हैं। इसे हाइड करने के लिए आप सभी अपने पॉइंटर को व्यू ऑप्शन पर लेकर आए जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है, यहां पर क्लिक करें, उसके बाद टूल बार्स के अंदर या टूल बार्स लिखे हुए ऑप्शन पे पॉइंटर को ले जाएं और फिर इसके ठीक सामने जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है फॉर्मेटिंग लिखे हुए ऑप्शन पर अपने पॉइंटर को ले जाएं और यहां पर क्लिक कर दें जिससे कि फॉर्मेटिंग टूल बार हाइड हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपने फॉर्मेटिंग टूल बार को हाइड कर सकते हैं या छिपा सकते हैं। अब आप टेक्स्ट बाउंड्री को हटाएं। अगर कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से सीखें। आइए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं कि टेक्स्ट बाउंड्री को कैसे हाइड करते हैं। इसे हाइड करने के लिए आप सभी अपने पॉइंटर को व्यू लिखे हुए ऑप्शन पर लेकर आए, यहाँ पर क्लिक करें, उसके बाद अपने पॉइंटर को टेक्स्ट बाउंड्री पर लेकर जाएं, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है, उसके बाद यहाँ पर क्लिक कर दें जिससे कि आपकी टेक्स्ट बाउंड्री हाइड हो जाएगी जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। तो इस तरह से आप टेक्स्ट बाउंड्री को हाइड कर सकते हैं। अब आप ड्राइंग टूल बार को हटाएं। अगर कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से सीखें। आइए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं कि ड्राइंग टूल बार को कैसे हाइड करते हैं। इसे हाइड करने के लिए आप सभी अपने पॉइंटर को व्यू लिखे हुए ऑप्शन पर लेकर आएं, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है, यहाँ पर क्लिक करें, उसके बाद टूल बार लिखे हुए ऑप्शन पर पॉइंटर को ले जाएं, फिर उसके सामने ऐसे ड्राइंग टूल बार पे क्लिक कर दें जिससे कि आपकी ड्राइंग टूल बार हाइड हो जाएगी यानी कि छुप जाएगी। अब आप नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर को अपने पेज पर लेके आए। अगर कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से लाना सीखें। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि नॉन प्रिंटिंग को कैसे शो करते हैं। इसे शो करने के लिए आप सभी अपने पॉइंटर को मेनू बार के व्यू लिखे हुए ऑप्शन पर लेकर आए जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है, यहाँ पर क्लिक करें और उसके बाद अपने पॉइंटर को नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स लिखे हुए ऑप्शन पर क्लिक कर दें जिससे कि नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर आपके पेज पर आ जाएगा। यह एक प्रकार का सिंबल होता है जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। अब आप स्टैंडर्ड टूल बार को हाइड करके दिखाएं। कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से सीखें। फिर से व्यू पर जाएं, टूल बार्स पे जाएं,
उसके बाद स्टैंडर्ड टूल बार पे क्लिक कर दें या स्टैंडर्ड पे क्लिक कर दें, जिससे कि आपका स्टैंडर्ड टूल बार हाइड हो जाएगा। अब आप पेज की साइज को कम करके दिखाएं। अगर कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से सीखें। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि पेज को छोटा कैसे करते हैं। जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है, वीडियो को या पेज को छोटा करने के लिए यहाँ पर अपने पॉइंटर को लेकर आए माइनस के साइन पे और अपने टचपैड या माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करते रहें जितना आपको पेज का साइज छोटा करना है। इस तरह से आप अपने पेज की साइज को कम कर सकते हैं। अब आप सबसे पहले फॉर्मेटिंग टूलबार को लेके आए। कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से सीखें। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि इन सभी ऑप्शन को अब शो कैसे करते हैं। जैसे कि आप सभी वीडियो में देख रहे होंगे, शो करने के लिए आप सभी अपने पॉइंटर को मेनू बार के व्यू ऑप्शन पर लेकर आएं, उसके बाद टूल बार पर क्लिक करें, फिर अपने पॉइंटर को फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर दें, जिससे कि आपका फॉर्मेटिंग बार शो हो जाएगा। अब आप ड्राइंग टूल बार को लेके आए। कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से सीखें। फिर से आप सभी अपने पॉइंटर को व्यू लिखे हुए ऑप्शन पर लेकर आएं, उसके बाद टूल बार पे जाएं, फिर ड्राइंग पर क्लिक कर दें, जिससे कि ड्राइंग टूल बार शो हो जाएगा, जैसे कि आप सभी वीडियो में देख रहे हैं। अब आप नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर को हटाएं। कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से सीखें। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर को हाइड कैसे करते हैं। इसे हाइड करने के लिए आप सभी अपने पॉइंटर को व्यू लिखे हुए ऑप्शन पर लेकर आएं, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करें और फिर अपने पॉइंटर को नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर लिखे हुए ऑप्शन पर लेकर जाएं और फिर क्लिक करें। तो इस तरह से आप नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर को हाइड कर सकते हैं। अब आप टेक्स्ट बाउंड्री को लेके आए। कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से सीखें। फिर से आप सभी अपने पॉइंटर को व्यू लिखे हुए ऑप्शन पर लेकर आए, उसके बाद यहां पर क्लिक करें, फिर टेक्स्ट बाउंड्री को शो कराएं, जैसे कि आप सभी वीडियो में देख रहे होंगे। अब आप स्टैंडर्ड टूल बार को लेके आए। कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से सीखें। फिर से व्यू लिखे हुए ऑप्शन पर अपने पॉइंटर को लेकर आए, उसके बाद टूल बार पे जाएं और फिर स्टैंडर्ड टूल बार पे क्लिक कर दें, जिससे कि स्टैंडर्ड टूल बार शो होगा। अभी आप सभी देख रहे होंगे कि शो नहीं हो रहा है। इसके लिए आप सभी अपने पॉइंटर को फॉर्मेटिंग टूल बार के यहाँ पे पॉइंटर लेकर आए और उसे अपने टचपैड या माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करके रखें और उसे ड्रैग करें ऊपर नीचे, जिससे कि स्टैंडर्ड टूल बार आ जाएगा, जैसे कि आप सभी को वीडियो में दिखाया जा रहा है। तो इस तरह से आप स्टैंडर्ड टूल बार को शो कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में आप अपने पेज के साइज को 100% करें। कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से सीखें। अब आप सभी अपने पेज पर जूम करना सीखें, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। जूम करने के लिए प्लस वाले साइन पर क्लिक करेंगे तो जो पेज का साइज बढ़ता जाएगा, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। 100% पर पेज का एक्चुअल साइज होता है। अगर कम करना हो तो आप माइनस वाले साइन पर क्लिक करेंगे तो पेज का साइज कम हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने राइटर के पेज पर
कोई भी ऑप्शन को हाइड और शो कर सकते हैं। क्योंकि आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है, आप सभी अपने फाइल को क्लोज करें। अगर आप अपनी फाइल को क्लोज नहीं करेंगे तो आपका कंप्यूटर सही प्रकार से बंद नहीं होगा, जिससे आपकी फाइल डैमेज मतलब कि आपकी फाइल खराब हो सकती है या खो सकती है। अगर कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से सीखें। सभी अपने कर्सर को पेज के दाहिने साइड कोने में क्रॉस के बटन पर लेकर जाएं और वहां अपने माउस या टचपैड के लेफ्ट बटन को दबा दें। आपकी स्क्रीन पर एक बॉक्स आ जाएगा जिस पर तीन ऑप्शन दिए गए होंगे, सेव, डिस्कार्ड और कैंसिल। क्योंकि हमें इस फाइल को सेव नहीं करना है, इसलिए हमें डिस्कार्ड वाले बटन पर क्लिक करें, जिससे फाइल क्लोज हो जाएगी। अब आप सिस्टम को प्रॉपरली शटडाउन करें। आज की कक्षा में आप सभी ने व्यू मेनू के सब मेनू का रिवीजन किया। यह सभी सब मेनू हैं, जैसे कि प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, टूलबार शो एंड हाइड करने की प्रैक्टिस की, टेक्स्ट बाउंड्री को शो और हाइड करने की प्रैक्टिस की, रूलर को शो और हाइड करने की प्रैक्टिस की, नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर को शो और हाइड करने की प्रैक्टिस की और जूम के बारे में सीखा।